ये वीडियो काल्पनिक है तथा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाई गई घटनाएं वास्तविक नहीं हैं। मारुति में विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। हम काम में सेफ्टी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक छोटी सी लापरवाही या किसी भी प्रोसीजर का उल्लंघन करना हमारे और हमारे साथियों के लिए जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी मशीन जिनसे हम काम करते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होते हैं, पर क्या आपके हाथों की उंगलियों का स्पेयर पार्ट होता है? नहीं। कुछ महीनों पहले की बात है, राहुल मारुति सुजुकी का एक एसोसिएट पिछले 15 साल से ब्लैंकिंग लाइन में काम करता है। एक मेहनती कर्मचारी जिसे अपने काम से बहुत लगाव है। एक दो तीन चार सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। इतने सालों से जैसे सभी ईमानदार फैक्ट्री वर्कर्स के साथ होता है, राहुल को भी ब्लैंकिंग लाइन की मशीन एक अन्नदाता से कम नहीं लगती थी। ऐसे ही रक्षा करते रहना। उसका ये मानना था कि जो मशीन आपकी परवरिश करती है वो भगवान से कम नहीं, पर शायद उस दिन किसी और की लापरवाही उसे महंगी पड़ी। अरे इसमें तो डेंट आ रहा है। अरे राहुल। हाँ जी सर। आज एस्टेलो की सप्लाई जानी है, चलो डाई बदलते हैं। सर डेढ़ डॉलर की सफाई करनी पड़ेगी, ब्लैंक में डेंट आ रहे हैं, एक और आदमी को बुला लेते। अरे लाइन चलानी जरूरी है। सर एक आदमी को और बुला लेते तो अच्छा रहता। दो ही आदमी काफी है, कर लेंगे। आप बोले स्टनल को बाहर करो, आप अंदर से क्लीन करना, मैं बाहर से ऑपरेट करूंगा। ओके सर, मैं फिर मूविंग बुलेट को तो बाहर कर दूं। हां ठीक है, बाहर कर। रोलर जिस पे डस्ट आ गया था वो प्लेट को आगे की तरफ खींचता है। जब मूविंग बोल्स्टर अपनी जगह में सेट होता है तो ये रोलर फॉरवर्ड मोशन में ही चल सकता है, पर जब मूविंग बोल्स्टर बाहर होती है तो मैन्युअली इसकी दिशा बदली जा सकती है। राहुल। हाँ जी सर। आप अंदर जाकर रोलर को साफ कीजिए, मैं बाहर से पैनल ऑपरेट करता हूँ। ठीक है सर। रोलर दिखाई दे रहा है, मैंने साफ कर दिया है, जरा फीड बटन दबा के रोलर को घुमाओ। ओके राहुल, किस तरफ घुमाऊं? पीछे की तरफ घुमाओ। राहुल किस तरफ घुमाऊं? ये सुनिश्चित किए बगैर कि राहुल कहां और कैसे कह रहा था, सुपरवाइजर ने रोलर को मैन्युअली रिवर्स मोशन में चलाया और करो। क्या हुआ राहुल? मेरा हाथ रोलर और प्लेट के बीच में फंस गया है। अभी तक क्योंकि राहुल का हाथ पिचका हुआ था, उसे चोट का अथवा दर्द का इतना एहसास नहीं हो रहा था। कोई मुझे बचाओ, मेरा हाथ फंस गया है।
भाई मुझे बचाओ। सॉरी दोस्त, मैं बहुत बुरा लाचार महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप धीरे धीरे बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा, बस डॉक्टर आ ही रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे जल्दबाजी में गलती होगी, मुझे माफ कर दो दोस्त, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? ब्लीडिंग नहीं हो रही अब, पर दो तीन उंगलियां क्रश हैं। बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देते हैं, लेट्स होप कि अच्छा करेगा ये। ठीक है, यंग मैन है, ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है, घबराओ नहीं, चिंता मत कर, ठीक होगा, ठीक होगा, बस बस ठीक है। हेलो राहुल, कैसे हो आप? ये क्या हो गया मेरे हाथ को, क्या हो गया मेरे हाथ को, अब मैं अपनी मशीन पर कैसे काम कर पाऊंगा? नहीं राहुल, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यह मशीन मेरे लिए भगवान जैसी थी, हे भगवान, यह मशीन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं हुआ राहुल, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने एक्सीडेंट की स्थिति और ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत साहस दिखाया है। मारुति सुजुकी की मदद के कारण राहुल आज मारुति में ही ऑफिस के कार्य जैसे कंप्यूटर पर प्लानिंग के महत्वपूर्ण कार्य करता है, परंतु शायद आज भी उसे मशीन या फ्लोर पर काम के वो दिन याद आते हैं। अपनी सेफ्टी के अलावा हमें दूसरों की सेफ्टी को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हम सभी के लिए तो और भी जरूरी है कि हम अपने साथियों की हमेशा रक्षा करें। अगर राहुल का साथी जल्दबाजी में न होता और रोलर क्लीनिंग के समय दूसरे जानकार सहयोगियों की सहायता ले लेता, तो शायद राहुल आज उसी प्रकार लगन और उतनी ही उत्तेजना से ब्लैंकिंग लाइन पर काम कर रहा होता और कुछ समय बाद शायद उस एरिया का बेस्ट ऑपरेटर होता। इस एक्सीडेंट के बाद मारुति सुजुकी ने आपकी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए ब्लैंकिंग लाइन के लॉजिक में बदलाव किए हैं। अब मूविंग बोल्स्टर के बाहर होने पर भी रोलर्स को रिवर्स में नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा फीड रोलर को साफ करने के लिए अब न्यूमैटिक अरेंजमेंट किए गए हैं, जिससे मैनुअल क्लीनिंग की अब जरूरत नहीं है। और काइजन के दौरान यह सुनिश्चित किया गया है
कि कोई मशीन के अंदर नहीं जा सकता। मारुति सुजुकी अपने कार्यकर्ताओं तथा कॉन्ट्रैक्टर्स की हमेशा सुरक्षा ही चाहती है। हमारा सहयोग कीजिए और मारुति सुजुकी में सेफ्टी की एक मिसाल बने। हमेशा सुरक्षित रहें और अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दें। जय हिंद। मारुति विजस्वी भवः।